अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी ही नहीं, सरकार का भी पूरा आशीर्वाद है। नए गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद सुरक्षा इतनी सख्त रखी गई है कि जमीन से लेकर आसमान तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमरनाथ यात्रा हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। इस बार भी आतंकी खतरे के साए में यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन इस दफा सुरक्षा कुछ ज्यादा ही चाक चौबंद है। नए गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा से ठीक पहले खुद सुरक्षा की समीक्षा की, लिहाजा इस बार अमरनाथ यात्रा पर सख्त पहरा है। सुरक्षा में करीब 40,000 सुरक्षा बलों को लगाया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक यात्रा के पूरे रास्ते पर पैनी नजर होगी। हर यात्रा को कड़ी सुरक्षा से गुजारे बिना आगे नहीं भेजा जा रहा है। बाबा बर्फानी की जो यात्रा है आतंक के साए में हो रही है, और इसी कारण से सरकार ने जो है विशेष प्रबंध किए हैं सुरक्षा के यात्रियों के लिए। और तमाम ये जो पूरा जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर जो है तकरीबन कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 40,000 जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं राजमार्ग पर भी और यात्रा के दोनों रास्तों पर भी, बालतल से भी और पहलगाम से भी। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीआरपीएफ का बाइक स्क्वाड है, इसको भी एस्कॉर्ट की तरह यूज किया जाएगा जो कि बसों के साथ साथ चलेगा। हर गाड़ियों में बारकोडिंग पर्ची लगी है जिस पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। कोई गाड़ी सुरक्षा बलों की निगाहों से बच नहीं सकती। अब हम एक छोटे से कंट्रोल रूम में जहां पे ये 40 दिन की यात्रा ट्रैक होगी। हमारे साथ बात करने के इस वक्त हैं अमित, जो कि बताएंगे कि किस तरह से, ये बताइए बार कोडिंग आप लोग कैसे करते हैं? मैम, बार कोडिंग उनके हर यात्रा पास के ऊपर में अवेलेबल कराई गई है। एसएएसबी की तरफ से जो यात्रा पास इशू होते हैं उसके अंदर में एक बार कोड और क्यूआर कोड प्रिंट करवाया गया है, और उस बारकोड के अंदर में इन पूरे हर यात्री की पूरी डिटेल है उनका। ये आपको दिखा दे पास से, ये है बारकोडिंग। हमने अक्सर सिर्फ दुकानों में देखा है जहाँ पे खरीदा, और हमें बताया गया कि बहुत सुंदर, सस्ता, टिकाऊ ये बारकोडिंग है। सर, ये आइडिया कैसे आया? मैम, ये बहुत ही सिंपल और सबसे कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर में हम सारी इन्फॉर्मेशन भी अचीव कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट सीसीटीवी कैमरे के दायरे में है। यहाँ ऐसे कैमरे लगे हैं जो 360 डिग्री की हर तस्वीर कैद कर लेगा। आप देख सकते हैं बालाटाल बेस कैंप में लगे इन सीसीटीवी कैमरों को। इन कैमरों की रेंज इतनी है कि कोई इससे बच नहीं सकता। सुरक्षा बलों की नजर जमीन से ही नहीं आसमान से भी हर गतिविधियों पर होगी। इसके लिए विशेष तौर पर ड्रोन मंगाए गए हैं। सुरक्षा बलों का इस बार सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी है। इस बार बार कोडिंग की गई है, आरएफआईडी है, सैटेलाइट इमेजरी है, 360 डिग्री कैमरा है। हर तरह से मुमकिन कोशिश की गई है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बूट्स ऑन द ग्राउंड तो है ही है, यानी हर मुमकिन स्थान पर सेना और सुरक्षा बलों के जवान लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंक का साया बना हुआ है, और उसी वजह से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। इस साल पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर आरओपी और एंटी सेबोटाज टीम की संख्या बढ़ाई गई है। यात्रा रूट पर आईईडी के खतरे को देखते हुए बम निरोधक दस्ता टीम की संख्या को दोगुनी की गई है। आईईडी को निष्क्रिय करने वाले 40 नए एक्सपर्ट लगाए गए हैं। यहां सेना की क्विक रिस्पॉन्स टीम भी मोर्चे पर है, जो किसी भी अनहोनी में फौरन एक्शन में आ जाएगी। पूरे हाईवे पर सीआरपीएफ की टीमें मुस्तैद हैं। यात्रा एक बहुत बड़ी इवेंट है जो हर साल हम कंडक्ट करते हैं, और इस साल भी यात्रा को कंडक्ट कर ले कि सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। इट्स ए सिक्योरिटी चैलेंज एंड वी हैव लॉट मेनी ट्रूप्स फोर्सेस अवेलेबल जो इस यात्रा में हमारे साथ होंगे। प्रशासन ने स्थानीय लोगों का भी नेटवर्क तैयार किया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से वो हर वक्त उनके लिए आंख कान बने रहें। अभी हम बालटाल बेस कैंप पर रुके हैं। सो इस जगह को रूट यहाँ तक पहुँचते हुए इट इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स। आरओपीज लगी हैं, सभी फोर्सेज डोमिनेटेड है, इंक्लूडिंग आर्मी, आईटीबीपी एंड अदर फोर्सेज। इस बेस कैंप को सीआरपीएफ का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, प्रोटेक्शन है, एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस कंपोनेंट्स हैं। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन श्रद्धालु बेखौफ हैं, भोले बाबा की भक्ति में मस्त हैं। उन्हें ना किसी का डर है और ना ही किसी की परवाह, उन्हें तो बस बाबा का दर्शन करना है। उन्हें तो लगता है कि जब सिर पर बाबा का आशीर्वाद है तो किस बात का डरना। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।